सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का वीडियो। मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ, मैंने बॉडी शॉप से एक ड्रॉप्स ऑफ यूथ सीरम ऑर्डर किया था, सितंबर में ऑर्डर किया था, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा आपसे अपना रिव्यू शेयर कर लेती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ। एंड ये बॉटल मैंने 3 से 4 महीने यूज़ किया, सितंबर 25th को मैंने ऑर्डर किया था, 25th से सेप्टेम्बर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, 5 महीने चला ये बॉटल। 30 ml का ये बॉटल मिलता है 2499 rupees का, 2495 rupees का ये बॉटल होता है, 5 महीने चल चुका है, अभी एक महीने और चल जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला बट एक महीने चल जाएगा, क्योंकि जो इसका क्वान्टिटी मैं यूज़ करती हूँ वो 1 से 2 drops होता है, वो भी मॉर्निंग में, इवनिंग में मैं कुछ और अलग आती हूँ। इवनिंग में आपको पता ही है कि मैं सेंट बोटानिका का विटामिन सी सीरम लगाती हूँ, उसका भी मैंने प्रॉपर रिव्यू किया हुआ है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं आई कार्ड पे डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रॉप्स ऑफ यूथ रेंज है बॉडी शॉप का, जो ग्रीन कलर के बॉटल्स में इसके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका जो सीरम होता है या क्रीम होते हैं, वॉट जो भी होते हैं, वो डार्क ग्रीन कलर का बॉटल में आता है। और ये जो रेंज है ये काफ़ी अच्छा रेंज होता है, इसमें कहते हैं ये ड्रॉप्स ऑफ यूथ मतलब इनका एंटी एजिंग रेंज है, जो आपके स्किन को काफ़ी यंग रखता है, प्लम रखता है एंड यूथ रखता है। बेसिकली जो नाम से ही आपको बता रहा है, ड्रॉप्स ऑफ यूथ मतलब आपके स्किन को यूथ रखेगा। सो ये जो है ये 3 plant stem cells से बना हुआ है, और इसका मैंने काफ़ी लोगों से अच्छा रिव्यू सुना था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। हालांकि ये काफ़ी महंगा सीरम है, 2499 में आपको अदर ब्रांड से का 3 से 4 सीरम आप खरीद लेंगे, क्योंकि आजकल सीरम का जो रेंज होता है वो 400, 500, 600 से 1000 के बीच में होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सीरम्स भी इसी रेंज में आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये इस तरह के वाइट कलर के बॉटल में आता है एंड इसके अंदर ये ड्रॉपर वाला ये शीशी होता है ग्रीन कलर का, और ये कांच की शीशी होती है, तो ये अगर गिरेगा तो ये फूटने का चांसेस होता है, तो आप इसको बहुत ही डेलिकेट होता है, इसको बहुत ही संभाल के रखना होता है। ये बॉडी शॉप का ड्रॉप्स ऑफ यूथ है, 30 ml प्रोडक्ट मिलता है इसमें एंड 2495 का है, आप देख लीजिए। एंड इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि अप्लाई 2 to 3 drops एंड मसाज इनटू स्किन, अलाउ द कॉन्सेंट्रेट टू योर स्किन इन फ्यू सेकेंड बिफोर अप्लाइंग योर डे और नाइट मॉइस्चर होता है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह से शीशी में आता है, ये ड्रॉपर होता है, ये ड्रॉपर के साथ है, आप ड्रॉपर से इसको ईजिली अपने पाम पे 1, 2 से 3 drops enough होता है लगाने के लिए, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सा कंसिस्टेंसी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा थिक सा होता है एंड ट्रांसपेरेंट थिक सा कंसिस्टेंसी है। और इसको इस तरह से अप्लाई करना होता है, काफी प्रोडक्ट होता है जो कि 2 से 3 drops में आपके पूरे फेस पे इजीली अप्लाई हो जाएगा। इस पे जो है प्राइस लिखा, मैंने नाइका से ऑर्डर किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको अगर खरीदना होगा तो आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं। 2495 का 30 ml है एंड इस पे लिखा हुआ है दिस एंड इस पे सारा कुछ जो ये क्लेम करता है मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज 100% वेगन फॉर्मुलेटेड विदाउट सिलिकन मिनरल ऑयल एंड पैराबेन, इट मीन्स इट इज पैराबेन फ्री एंड इट इज वेगन। ये है प्लांट स्टेम सेल्स द रिन्यूएबल पावर फ्रॉम नेचर फॉर यूथफुल लुकिंग स्किन। मेरा स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, और पहले मैं आपको बताती थी कि मेरा स्किन ड्राई है, बट रिसेंटली मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो टी जोन है वो ऑयली है एंड आपका रेस्ट जो फेस का पार्ट है वो ड्राई है, तो इसका मतलब आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ड्रॉपर के साथ आता है, इसमें इस टाइप से इसका ड्रॉपर होता है एंड इस तरह से ग्रीन कलर का शीशी होता है एंड इस पर लिखा होता है द बॉडी शॉप ड्रॉप्स ऑफ यूथ यूथ कॉन्सेंट्रेट। ये बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेंट्रेट है, थिक सा होगा कॉन्सेंट्रेट, जिससे आपको 2 to 3 drops अपने पाम पे लेना है एंड इसको जेंटली आप ड्रॉप ड्रॉप करके अपने फेस पे
ड्रॉप ड्रॉप करके लगा सकते हैं एंड फिर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली एंड थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि ये पूरा आपके स्किन में एब्जॉर्ब कर जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा एंड पूरा आपके स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ऑयली स्किन के लिए भी ये सूटेबल है एंड ड्राई स्किन के लिए भी सूटेबल है। बट ड्राई स्किन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ मॉइस्चराइजर चाहिए तो ये मॉइस्चराइज नहीं करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये आपका स्किन नॉर्मल कर देता है, जैसा पहले था वैसा अभी भी हो जाए। तो मैं आपको अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं इसे लास्ट 5 मंथ से अप्लाई कर रही थी। ये मेरे फेस पे कुछ भी बैड इफेक्ट नहीं किया, मेरे फेस पे कोई बम्प्स नहीं आए इसको यूज़ करने से, मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको यूज़ करने से एंड मोर ओवर मेरे फेस पे कोई इरिटेशन नहीं था। जो ये कॉन्सेंट्रेट होता है ये बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप में यूज़ कर रही थी रेगुलर मॉर्निंग में अपने मॉइस्चराइजर लगाने से पहले एंड जब भी मैं इसको अप्लाई करती थी ये मेरे स्किन पे बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता था। उसके बाद मैं इट्स स्किन का मॉइस्चराइजर इसके ऊपर अप्लाई कर लेती थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लगाने से मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, थोड़ा सा डिफरेंस ये दिखा कि मेरे स्किन में जो थोड़ा बहुत चेंजेस ये आए हैं कि मेरा स्किन पहले से थोड़ा ग्लोई दिखने लगा है। वो मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे को बॉडी शॉप लगाने से आया है या इट्स स्किन का मॉइस्चराइजर लगाने से आया, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे इट्स स्किन का मॉइस्चराइजर गिफ्ट किया था तो मैं उसको अभी वो अप्लाई कर रही हूँ। 1 से 2 महीने में मैं उसका भी रिव्यू आपको दूंगी। वो मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है बट ये जो कॉन्सेंट्रेट है ये कुछ काफ़ी लोगों का इफेक्टिव रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट ये बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट है और इस हाई एंड प्रोडक्ट को लगाने के बाद मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इतना महंगा कुछ प्रोडक्ट खरीदें। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। रही बात अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा डार्क स्पॉट्स नहीं है, फेस पे कोई पिंपल मार्क्स नहीं है, ये मैं ये भी नहीं क्लेम कर सकती कि ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है या पिंपल मार्क्स को रिमूव करता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। बट ओवरऑल अगर आपको कोई ऐसा सीरम चाहिए जो आपके फेस को अच्छा रखे, आपके फेस पे एक बैरियर बना के रखे, ऐसा कि इसमें कुछ SPF नहीं है बट फिर भी आपको लगना चाहिए कि अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो बीच में एक बैरियर हो। और जैसा कि हम सबको पता है कि बॉडी शॉप काफ़ी अच्छा रेंज है स्किन केयर का, तो एक मन में सेटिस्फैक्शन रहता है कि हम बॉडी शॉप का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसका रेंज बहुत अच्छा है एंड जिसकी क्वालिटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होगी, चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। तो आपके स्किन के ऊपर आपको बस एक मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा इसको अप्लाई करके कि आप बॉडी शॉप का कोई बहुत हाई एंड बहुत महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हालांकि बॉडी शॉप के सारे ही रेंज 24-25 से शुरू होते हैं, सस्ता तो मुझे नहीं लगता कुछ आता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा मिनी रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है। Till then keep watching, bye bye.